नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को टक से लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। एक महात्मा ने एक दीवार पर बड़ा सा सफेद पेपर लगाया और मार्कर से उस पर एक काला सा डॉट लगा दिया। फिर सब लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। सब लोग बोले काला डॉट। तब महात्मा बोले कमाल है, इतना बड़ा सफेद पेपर नजर नहीं आ रहा और छोटा सा काला डॉट नजर आ गया। यही हाल आजकल सभी का है, उन्हें किसी व्यक्ति की सारी जिंदगी की अच्छाई नजर नहीं आती, मगर उसकी छोटी सी बुराई तुरंत नजर आ जाती है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। दो पल की जिंदगी के दो नियम। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। एक मेंढक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का सोचता है और आगे बढ़ता है। बाकी के सारे मेंढक शोर मचाने लगते हैं, ये असंभव है, आज तक कोई नहीं चढ़ा, ये असंभव है, नहीं चढ़ पाओगे। मगर मेंढक आखिर पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वह मेंढक बहरा होता है और सारे मेंढकों को चिल्लाते देख सोचता है कि सारे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति बहरे हो जाइए। इन बातों को रोज सुनो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ ले नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वो भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। नादान से दोस्ती कीजिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त कोई भी समझदार साथ नहीं देता। दुनिया की ताकतवर चीज है लोहा, तो सत को काट डालता है। लोहे से ताकतवर है आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ताकतवर है पानी, जो आग को बुझा देता है। पानी से ताकतवर है इंसान, जो उसे पी जाता है। इंसान से भी ताकतवर है ऊंच, जो उसे खा जाती है। और मौत से भी ताकतवर है भक्ति, जो मौत को भी टाल देती है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं। सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम रोज सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई कभी नहीं सोचता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिंदगी में कभी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। हे प्रभु, मैंने तुम्हें देखा न कभी मिली, फिर ऐसा क्या रिश्ता है। दर्द कोई भी हो, याद तेरी ही आती है। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम, सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। कभी मिल सको तो इन पक्षियों की तरह भी वजह मिलना दोस्तों। वजह से मिलने वाले तो न जाने हर रोज कितने मिलते हैं। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा
सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। अच्छा कार्य निरंतर करते रहिए, कोई आपका सम्मान करे या अपमान, परंतु ईश्वर तो आपका सम्मान जरूर करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।